हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है पनीर स्प्रिंग रोल। ये रोल झटपट बनता है, खाने में बहुत लाजवाब होता है। इस तरीके से बनाएंगे तो मार्केट से भी अच्छा बनके ये रेडी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। 2 चम्मच ऑयल डाल दिए, ऑयल गर्म हो गया। 3-4 कली लहसुन को काट के डाल देंगे। 2 हरी मिर्ची कटा हुआ डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ सेकेंड के लिए इन सब चीज़ों को भून लेते हैं। कटी हुई हरी सब्जियां रखे हैं, इसे भी डाल देंगे। आप अपने मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज का गाजर छील के धो के लंबाई में काट लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। गाजर को लंबाई में काटिए, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं काटिए। इस तरह से पतला ही काट के रेडी रखिए, जिससे कि गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो गलने में टाइम लेता है। 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज रखे हैं, इसे भी डाल देंगे। प्याज को भी इस तरह से देखिए लंबाई में काट के रखे हैं। 1 छोटे साइज का कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिए। शिमला मिर्च को भी लंबाई में ही काटे हैं। अब थोड़ा सा पत्ता गोभी काट के रखे हैं, इसे भी डाल देते हैं। इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इन सब्जियों को इतना पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, और इसको गलाना नहीं है। जैसे सब्जी पकाने के लिए गलाते हैं उस तरह से नहीं गलाना है। सब्जियां देखने में खिला खिला लग रहा है। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सॉसेज में नमक रहता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। 1 चम्मच विनेगर डाल दिए, जिसे सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, जो डार्क वाला होता है। 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखे हैं, लो या मीडियम नहीं किए हैं। अच्छे से सभी सॉसेस को मिला लेना है। अब इसमें जो कटा हुआ पनीर रखे हैं हम, इसे भी डाल देंगे। ये पनीर 150 ग्राम है, इसको लंबाई में काट के रख लिए थे। अब इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर तक पनीर को सब्जियों के साथ नहीं पकाना है, 2-3 मिनट तक ही पनीर को पकाना है। पनीर को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पक गया है। खिली खिली सब्जियां तैयार हुई हैं, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1/2 कटोरी मैदा लिए हैं चाल के, इसको बड़े बाउल में डाल देंगे। 1/2 कटोरी से कम कॉर्नफ्लोर लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। इसका सीट बनाने के लिए हम आटा गूंथेंगे नहीं, बेलेंगे भी नहीं, घोल बना के बनाएंगे। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे कि इसका सीट थोड़ा नमकीन बने। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैदा नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब 1/2 गिलास हम दूध लेंगे। दूध से ये सॉफ्ट बनता है और टेस्टी भी होता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इकट्ठा दूध या पानी नहीं डालना है। इकट्ठा डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ने लगेगा और अच्छे से नहीं घुलेगा। दूध को डाल दिए, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने पानी का ज़रूरत है। इस तरह से ये घुल गया है, लम्स भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल कोई गाँठें नहीं दिख रही हैं। अब उसी गिलास से 1 गिलास से कम पानी लेंगे और इसको डाल के मिक्स करेंगे। घुलने के बाद देखेंगे कितना पानी चाहिए। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये डो बहुत पतला हो जाएगा, इसीलिए कम कम ही पानी डाल रहे हैं। 1 गिलास से कम पानी, 1/2 गिलास दूध डाले हैं। ये घोल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इससे गाढ़ा कर देंगे तो भी सीट अच्छा नहीं बनेगा। अब गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिए थे। कोई भी नॉन स्टिक तवा या पैन रख दीजिए। इसको हल्का गर्म होने दीजिए। गैस का फ्लेम लो रखे हैं। इस तरह से बैटर को डाल के इसको फैला दिए। ये अच्छे से फैल गया है। अब 2 मिनट बाद इसे हम पलटेंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दिए हैं। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा देर पकने देंगे। इस तरह से पलटनी ले लीजिए, क्योंकि अभी ये गर्म है। किसी चीज़ से इसको छोड़ा लीजिए। इसको छोड़ा के हम प्लेट में रख लिए। प्लेट में एक पेपर रखे थे,
उसी पेपर में रख दिए, दूसरे पेपर से भी ढक देंगे या किसी कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं, नहीं तो रोल बनाते वक्त ये टूटने लगेगा। आप एक शीट को लिए हैं जो फिलिंग बना के रखे थे, इसको रख लेंगे इस तरह से हम और फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम फिलिंग को नहीं रखेंगे, नहीं तो मोड़ते वक्त ये टूटने लगेगा। अब इस तरह से उठा के इसको मोड़ लिए और अगल बगल से भी मोड़ लेंगे। इसको मोड़ने से पहले थोड़ा सा घोल बचा के रखे हैं, इस तरह से चम्मच लेंगे, चाहे चम्मच से या हाथ से घोल को अच्छे से लगा लेंगे किनारों पे ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरह से देखिए उठाएं, साइड से मोड़ दिए और दूसरे साइड से भी इस तरह से पकड़ के इसे मोड़ेंगे। बहुत सावधानी से मोड़ेंगे नहीं तो ये टूटने लगेगा क्योंकि ये रैपर बहुत पतला है। अब इस तरह से ऊपर के हिस्से में भी घोल लगा दिए ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट ही इसको हम रोल करेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए रोल कर लेना है ताकि किनारा जो घोल लगाए हैं चिपक जाए अच्छे से, फ्राई करते समय खुले नहीं। अब गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए तो इसमें ऑयल डाल दिए, ऑयल गर्म होने लगा, गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। जो घोल बचा हुआ है उसे घोल में इस रोल को डाल के कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहें तो घोल में डालिए या बगैर घोल में डाले ही भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इसको अलट पलट कर अच्छे से हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अलट पलट कर स्प्रिंग रोल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितना प्यारा कलर आता है देखने में उतना अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो इसी तरह और भी पनीर स्प्रिंग रोल को हम बना के रेडी कर लेंगे। किसी छन्नी में रखने से इसका आयल एक्स्ट्रा जो रहता है वो निकल जाता है। सभी स्प्रिंग रोल को हम बना के रख लिए हैं। तो इस तरह से एक बार आप भी पनीर स्प्रिंग रोल बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।